वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही होगी। गाइस, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की जोन वाइज कितनी अटेंडेंस रही है यहाँ पे, और जोन वाइज ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे देखेंगे। गाइस, उन्हीं जोन की बात करेंगे जिनकी अटेंडेंस हमें पता चली है, उन्हीं की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करेंगे। गाइस, बस एक जोन यहाँ पे ऐसा है जो की आरआरबी अलावा, जिसकी यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड अटेंडेंस मानी है, जो कि 50% मानी है, क्योंकि गाइस यहाँ से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फॉर्म्स अप्लाइड हुए थे, वैकेंसी भी यहाँ पे सबसे ज्यादा निकलती हैं, इसीलिए इस जोन की यहाँ पे हमने मान ली है अटेंडेंस। बाकी जितने भी आगे आपको जोन मिलेंगे उनकी जितनी अटेंडेंस रही है उतनी ही आपको बताई जाएगी, उसी के बेसिस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे प्रिडिक्ट की जा रही है। गाइस, सबसे पहले यहाँ देखते हैं आरआरबी इलाहाबाद, फॉर्म्स अप्लाइड यहाँ हुए थे 18,08,136, कैंडिडेट्स अपियर्ड हुए यहाँ पे 50 हमने माने हैं, 4099 गाइज यहाँ पे वैकेंसी निकली थी, पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 11 है गाइज, एक सीट के ऊपर 11 लोग कंपीट कर रहे हैं यहाँ पे। अब देख लेते हैं बिफोर नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी एंड आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो बिफोर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे 60+ आप मान के चलिए, 60+ अगर आपका स्कोर आ रहा है, प्लस माइनस 2 यहाँ पे एप्लीकेबल है गाइज, 60+ अगर आपका आ रहा है, प्लस माइनस 2 हैगा, यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो फिर आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से सीबीटी 2 की स्टार्ट कर दीजिए गाइज। ओबीसी कैटेगरी की 58+, ईडब्ल्यूएस 56+, एससी 54+, एसटी 52+, गाइस प्लस माइनस 2 इन सारी कैटेगरी के ऊपर एप्लीकेबल है। एंड आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी की 70+ जा सकती है, प्लस माइनस 2 यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहेगा गाइस, ओबीसी की 67+ जा सकती है। जैसे कंपटीशन अभी हमने देखा लास्ट स्लाइड पे कि 11 यहाँ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग जितने लोग यहाँ पे एग्जाम देने गए हैं सारे क्राइटेरिया को देखकर यहाँ पे ये कट ऑफ प्रिडिक्ट की जा रही है गाइस। ईडब्ल्यूएस की 64+, एससी की 61+, एसटी की 59+ गाइस इतनी रहेगी, प्लस माइनस 2 आप देख लीजिएगा जब फाइनल कट ऑफ आएगी, इसी के आसपास आपको अपनी कट ऑफ देखने को यहां पे मिलने वाली है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आरआरबी गुवाहाटी गाइस, आरआरबी गुवाहाटी के अंदर 219,933 फॉर्म्स फिल किए गए थे, अप्लाइड हुए थे, कैंडिडेट्स अपीयर हुए यहां पे 84,529, 38.43% अटेंडेंस यहां पे रही है गाइस, 38.43 ऑलवेज आप मान सकते हैं 38% ही अटेंडेंस रही है। वैकेंसियां निकली थी 851, अब देख सकते हैं पर सीट कंपटीशन कितना कम है यहाँ पे, 5 है गाइस, सिर्फ एक सीट के ऊपर 5 लोग यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये सेफेस्ट आरआरबी में से एक है गाइस, अगर आपने इस आरआरबी से फॉर्म फिल किया है तो आपके चांसेस ज्यादा है सिलेक्शन यहाँ पे लेने के। बस बिफोर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे यूआर कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है 50+, 48+ यहाँ पे रह सकती है, ओबीसी की ईडब्ल्यूएस 47+, एससी 45+, एसटी 41+, एसटी माइनस 2 सारी कैटेगरीज के ऊपर यहाँ पे एप्लीकेबल है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देख लेते हैं यूआर कैटेगरी की 58+, ओबीसी 56+, ईडब्ल्यूएस 55+, एससी 52+, एसटी 50+, गाइस प्लस माइनस 2 यहाँ पे भी सारी कैटेगरीज के ऊपर एप्लीकेबल है। जैसे मैंने आपको बताया पर सीट कॉम्पिटिशन, नंबर ऑफ फॉर्म्स अप्लाइड जितना है सब यहाँ पे देख करके, वैकेंसी देख करके और कितने लोग एग्जाम देने गए हैं सब देख करके यहाँ पे ये प्रिडिक्ट की जा रही है यहाँ पे कट ऑफ। तो आप इसको बिल्कुल देखिए कि इसी के आपके आसपास आपको अपनी कट ऑफ देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आरआरबी तिरुवनंतपुरम गाइस, यहाँ पे फॉर्म्स अप्लाइड हुए थे 277,045 फॉर्म्स यहाँ पे अप्लाइड हुए थे, कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए यहाँ पे 84,235, अटेंडेंस यहाँ पे रही है 30.4%, वैकेंसी निकली है 897 यहाँ पे, और पर सीट कॉम्पिटिशन देखिए गाइस 4.6, उस आरआरबी से गुवाहाटी से भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन कम है 4.6, आप देख सकते हैं 5 ही मान लीजिए एक सीट के ऊपर यहाँ पे भी 5 लोग कम्पीट कर रहे हैं, आप ऐसा मान लीजिए 4.5 मतलब ऑलमोस्ट 5 ही लोग यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं एक सीट के ऊपर, 4.6 है। तो अब देख लेते हैं इसके बिफोर नॉर्मलाइजेशन और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ कितनी जा सकती है गाइस, यूआर कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ रह सकती है 54+, ओबीसी की रह सकती है 52+, प्लस माइनस 2 यहाँ पे भी सारी कैटेगरीज के ऊपर एप्लीकेबल है, ईडब्ल्यूएस की 50+, एससी की 48+, एसटी 45+, गाइज आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यहाँ रह सकती है यूआर कैटेगरी की 60+, गाइज ये भी दो मतलब आप समझ लीजिए सेफेस्ट आरआरबी में से एक है, तीन यहाँ पे सेफेस्ट आरआरबी बता रही हूँ मैं, उन तीनों में से ये एक है, पहला गुवाहाटी हो गया, दूसरा तिरुवनंतपुरम और तीसरा हम देखेंगे अभी। यूआर कैटेगरी की यहाँ पे मैंने बताया आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 60+ जा सकती है, ओबीसी की 58+, ईडब्ल्यूएस 56+, एससी 55+, एसटी 53+, गाइज प्लस माइनस 2 यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, अगर आप इस रेंज के अंदर आ रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दीजिए सीबीटी 2 की, रिजल्ट आने के बाद ज्यादा टाइम आपको शायद ना मिले क्योंकि ग्रुप डी से पहले आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट कराया जा सकता है एनटीपीसी सीबीटी 2 का। चलिए
दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, 8 सितंबर से यहाँ अनअकैडमी के ऊपर फ्रेश बैचेस स्टार्ट हुए हैं। आप इनके अंदर जुड़ सकते हैं PMYT कोड लगाकर। गाइस PMYT कोड लगाने से आपको यहाँ मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही अनअकैडमी के ऊपर अब आप अपने डाउट पूछ सकते हैं गाइस, साथ ही आप लाइव क्लासेस के अंदर अनअकैडमी के ऊपर अपने डाउट पूछ सकते हैं रेज एंड फीचर के थ्रू। गाइस SSC कॉम्पिट होता है एवरी यहाँ पे संडे 12 PM। आप PMYT कोड इनवाइट कोड यूज करके यहाँ पे इसमें एनरोल कर सकते हैं, इसे दे सकते हैं गाइस। दोस्तों अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट कोड यूज कीजिए PMYT। PMYT कोड लगाने से आपको गाइस यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं RRB सिलीगुड़ी मैंने आपको बताया ना, तीन सेफेस्ट यहाँ पे RRB आप मान के चलिए। पहला आपका हो गया गुवाहाटी, दूसरा तिरुवनंतपुरम बताया मैंने, यहाँ पे तीसरा हो गया आपका RRB सिलीगुड़ी। फॉर्म्स अप्लाइड यहाँ हुए थे 72,559, कैंडिडेट्स अपियर थे यहाँ पे 32,637, अटेंडेंस रही थी यहाँ पे 45%। अटेंडेंस यहाँ उन दो RRB के कंपैरिजन में थोड़ी यहाँ पे ज्यादा रही है। वैकेंसी यहाँ देखिए 443 निकली थी, जिनमें पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 3.6, ऐसे समझिए कि चार लोग एक सीट के ऊपर यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं। देखते हैं बिफोर नॉर्मलाइजेशन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे कितनी रह सकती है कट ऑफ। UR कैटेगरी की रह सकती है 48+ बिफोर नॉर्मलाइजेशन, OBC की रह सकती है 46+, EWS 45+, SC 43+, ST 40+, प्लस माइनस 2 यहाँ पे भी सारी ही कैटेगरीज के ऊपर एप्लीकेबल है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन UR कैटेगरी की रह सकती है 56+, OBC की रह सकती है 54+, EWS 52+, SC 50+, ST 47+, गाइस इतनी यहाँ पे रह सकती है प्लस माइनस 2 की, आप यहाँ पे देख लीजिए प्लस माइनस 2 यहाँ पे रहेगा। इतनी आपकी बिफोर नॉर्मलाइजेशन रह सकती है कट ऑफ और इतनी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस, वैसे ये वन ऑफ द सेफेस्ट RRB, अगर आपने यहाँ से फॉर्म फिल किया है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे ज्यादा हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं RRB अजमेर। गाइस RRB अजमेर कंपटीशन यहाँ ज्यादा है, अटेंडेंस भी ज्यादा रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पर सीट कंपटीशन कितना है 13। फॉर्म्स अप्लाइड हुए थे यहाँ पे 9,23,415 फॉर्म्स यहाँ पे अप्लाइड हुए थे गाइस, कैंडिडेट्स अपियर हुए थे 4,61,707, इतने कैंडिडेट्स यहाँ अपियर हुए थे, ऑलमोस्ट 50% आप समझ लीजिए 49% यहाँ पे अटेंडेंस रही है। 1,773 वैकेंसीज निकली थी। पर सीट कंपटीशन की बात की जाए तो गाइस 13 है यहाँ, बहुत ज्यादा कंपटीशन है पर सीट। चलिए गाइस देखते हैं यहाँ पे कितनी बिफोर नॉर्मलाइजेशन और कितनी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ रह सकती है गाइस। यूआर कैटेगरी की 60+, अब यहाँ पे आप प्लस माइनस 3 देखिएगा गाइस, प्लस माइनस 3 आप यहाँ पे मान के चलिएगा, इसमें 60+ बिफोर नॉर्मलाइजेशन, OBC 57+, EWS 55+, SC 51+, ST 48+, इतना स्कोर आपका आ रहा है प्लस माइनस 3, आप अपने प्रिपरेशन अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं CVT2 की। यहाँ पे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देखिए या गाइस, UR कैटेगरी की 70+, प्लस माइनस 3 यहाँ पे भी सारी कैटेगरीज के ऊपर एप्लीकेबल है। OBC की 66+, EWS 63+, SC 60+, ST 57+, इतनी यहाँ पे आपकी जा सकती है क्योंकि ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जोन है ये एक बिल्कुल तरीके से। तो चलिए आगे देखते हैं गाइस, RRB मुंबई है नेक्स्ट यहाँ पे, ये भी हाईएस्ट कट ऑफ जोन में से एक है। फॉर्म्स अप्लाइड हुए थे यहाँ पे 11,44,836, कैंडिडेट्स अपियर हुए थे यहाँ पे 5,49,779, अटेंडेंस रही है गाइस यहाँ पे 48% गाइस यहाँ पे अटेंडेंस रही है। वैकेंसी निकली थी यहाँ पे 3,665, पर सीट कंपटीशन की बात की जाए तो 7.5, ऑलमोस्ट 8 लोग समझ लीजिए एक सीट के ऊपर यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं। देखते हैं बिफोर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ यहाँ जा सकती है 57+, OBC की जा सकती है 54+, EWS 53+, SC 50+, ST 47+, गाइस प्लस माइनस 2 यहाँ पे सारी कैटेगरीज के ऊपर एप्लीकेबल है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यहाँ UR कैटेगरी कट ऑफ रह सकती है 67+, यहाँ पे आप प्लस माइनस 2 अपनी सारी कैटेगरीज के ऊपर एप्लीकेबल करिए। OBC 67+, EWS 64+, SC 61+, ST 59+, इतनी आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ रह सकती है। इस रेंज के अंदर अगर आपका रॉ स्कोर आ रहा है जो मैंने अभी बिफोर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ बताई है प्लस माइनस 2, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए यहाँ पे CVT2 की अच्छे तरीके से बिल्कुल। RRB चंडीगढ़ गाइज यहाँ की कट ऑफ बहुत ज्यादा गई थी लास्ट टाइम भी, और इस टाइम भी यहाँ कट ऑफ हाई जाने के पूरे पूरे चांसेस है गाइज। यहाँ पे फॉर्म्स अप्लाइड हुए यहाँ पे 11,73,523, कैंडिडेट्स अपियर हुए 5,01,094 कैंडिडेट्स यहाँ पे अपियर हुए, 43% यहाँ पे अटेंडेंस रही है। वैकेंसी देखिए यहाँ पे 2,483 रही है, पर सीट कॉम्पिटिशन 10 है गाइज। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अजमेर और अलाहाबाद से पर सीट कॉम्पिटिशन कम है, बट फिर भी यहाँ की कट ऑफ ज्यादा गाइज जा सकती है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं वेकेंसीज कम है एज कम्पेयर टू यहाँ पे आपके अलाहाबाद
और आपके अजमेर से तो आपकी वैकेंसी ज्यादा है, बट अलाहाबाद से आपकी यहाँ पे वैकेंसी कम है, और मुंबई से भी यहाँ वैकेंसी आपकी कम है, और मुंबई से तो कॉम्पिटिशन भी इसका इस जोन का यहाँ पे ज्यादा है। आरआरबी चंडीगढ़ की बिफोर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ जा सकती है यूआर कैटेगरी की 61 प्लस, ओबीसी की आपकी यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है 58 प्लस, प्लस माइनस 2 गाइस यहाँ पे सारी कैटेगरीज के ऊपर एप्लीकेबल है। ईडब्ल्यूएस 57 प्लस, एससी 54 प्लस, एसटी 51 प्लस, इतना अगर आपका रॉ स्कोर आ रहा है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा सीबीटी 2 की। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यूआर कैटेगरी की 71 प्लस, ओबीसी 68 प्लस, ईडब्ल्यूएस 67 प्लस, एससी 64 प्लस, एसटी 60 प्लस, प्लस माइनस 2 सारी कैटेगरीज के ऊपर एप्लीकेबल है। इतनी आरआरबी का हमें यहाँ पे अटेंडेंस का डाटा मिला जो मैंने आपके सामने यहाँ पे उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ और अटेंडेंस यहाँ पे मैंने बता दी है, पर सीट कॉम्पिटिशन बता दिया है, और जैसे जैसे मिलता जाएगा आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है, 8 सितंबर से ही यहाँ पे फ्रेश बैचेस स्टार्ट हुए हैं, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं पीएमवाईटी कोड लगा के। गाइस पीएमवाईटी कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही अनअकैडमी पे आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, आप लाइव क्लासेस के अंदर भी अपने फेवरेट एजुकेटर से यहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। एसएससी कॉम्पैक्ट होते हैं एवरी संडे 12 PM, पीएमवाईटी कोड लगाकर आप इसको दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है मैं बताती हूँ आपको। आपको अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद गोल कैटेगरी में जाके अपना गोल सिलेक्ट करना है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, यूजीसी नेट, आईआईटी, जेईई नीट, इवन दो आप सीबीएसई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। गाइस गोल कैटेगरी में जाके अपना गोल सिलेक्ट करने के बाद मैक्सिमम वैलिडिटी का प्लान सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम वैलिडिटी का प्लान सिलेक्ट करने के बाद रेफरल कोड में डिस्काउंट कोड लगाना है PMYT। PMYT कोड लगाने से गाइस आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड नोट कर लीजिए PMYT, अभी अपनी यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।